अस्सलाम वालेकुम हाफसाबाद एंड कसूर, वेलकम टू योर फ्राइडे लेक्चर। मैं आपको जुम्मा के बाबरकत दिन पे वेलकम करता हूँ लेक्चर के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था, वालेकुम सलाम मोहम्मद आसिफ, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, विल बी कवरिंग टाइपोग्राफी बेसिक्स टूडे, बिकॉज कल हमने ज़रा फॉन्ट्स को एडिट करना सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली टाइपोग्राफी में देखेंगे, कल हमने फॉन्ट्स के हवाले से उनको एडिट करके किस तरीके से हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो बहुत बेसिक सीखी थी। तो आज मैंने प्लान किया था कि आपको टाइपोग्राफी के बारे में अच्छी डिटेल से डिस्कशन करने के बाद फिर आपको समझाया जाए कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क इन टाइपोग्राफी। ऑलराइट, वालेकुम सलाम मोहम्मद फारूक एंड नसीब, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो टाइपोग्राफी है। अगर आप टाइपोग्राफी देखें तो द वर्ड टाइपोग्राफी मींस के इट इज रेलेवेंट टू टाइपिंग। लाइक हम इसके अंदर करते हैं, हाउ कैन वी एक्चुअली लर्न मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फॉन्ट्स वी शुड यूज, व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट वी शुड यूज, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखी हैं इन टाइपोग्राफी, किस तरीके से किस किस्म के टेक्स्ट को कहाँ यूज़ करना चाहिए। टाइपोग्राफी की हमारे पास मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ हमारे पास समझ लें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कर्निंग है, स्पेसिंग है, इसके अलावा चार और हैं तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो हम इलस्ट्रेटर पे ही करते हैं। तो अगर हम वर्ड टाइपोग्राफी को देखें तो इट इज बेसिकली understanding or study of how we learn to type anything, कहाँ पर किस किस्म की चीज़ों को use करते हैं। ठीक है, जब हम design के अंदर खास तौर पर text की बात करते हैं तो what is the best way to use the text, क्या type of text, वो सारा कुछ जो है आज के lecture के अंदर आज देखना। तो जो typography है इसके अंदर हमारे पास कुछ चार properties हैं, लेट मी शेयर दम विद यू इन द नोट, लाइक टेक्स्ट के अंदर मैं आप लोगों के सामने लिख के भी दिखा देता हूँ कि वो चार प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। फिर उन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट राइट हेयर, साइज में अगर बड़ा कर दूँ आप लोगों के सामने, जो कोई भी डिज़ाइन होगा आपका, अगर वो लोगो डिज़ाइन है, वो बैनर डिज़ाइन है, बी इट एनी काइंड ऑफ अदर डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड भी है, बैनर है, फ्लायर है, 90% ऑफ द टाइम आप लोगों को डिज़ाइन के साथ जो है वो टेक्स्ट लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से ये समझ जाते हैं कि टाइपोग्राफी के अंदर कहाँ पर कौन सी चीज़ किस कस्म की इस्तेमाल करनी है, तो मेरा ख्याल से आप लोगों के लिए अगली ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि आप लोग किसी भी किस्म के डिज़ाइन के लिए इस कश्मकश में नहीं पड़े रहेंगे कि यहाँ पर कौन सा टेक्स्ट जो है वो ठीक लगता है, कौन सा ठीक नहीं लगता।
स्टार्ट करते हैं टाइपोग्राफी की डिफरेंट टाइप से। ठीक है, याद रखिएगा टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स दो डिफरेंट चीजें हैं। टाइपोग्राफी इज अ बिग वर्ल्ड, ठीक है, बिग चीज, बड़ी चीज है, जबकि आप लोगों के पास जो फॉन्ट्स हैं वो टाइपोग्राफी के अंदर आने वाला एक सेक्शन है। और टाइपोग्राफी की अपनी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने चार प्रॉपर्टीज लिख लूँ, नंबर वन इज कर्निंग, ठीक है, और कर्निंग क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप लोगों के पास जो टेक्स्ट के अंदर हाइट होती है, ठीक है, उसको, वो भी एक चीज होती है। सेकेंड इज ट्रैकिंग, देन आपके पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि लेजिबिलिटी, ये चीज कितने अच्छे तरीके से नजर आ रही है। एंड द लास्ट वन आई गेस वाज लास्ट वन मेरे जहन में आ नहीं रही, लेट मी चेक द लास्ट वन वो क्या है। वालेकुम सलाम टू दोस्त जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। हाँ यस, स्लेडिंग। ये आपके पास चार जो है ना वो प्रॉपर्टीज हैं डिजाइन के अंदर, टाइपोग्राफी डिजाइन के अंदर। अगर मैं आपके सामने स्टार्ट करूँ कि लेडिंग से, तो दो जो आप लोगों के पास वर्ड्स हैं या एक सेंटेंस है, उसके नीचे एक और भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस के दरमियान में जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है एक लाइन से लेकर दूसरे लाइन में टाइपोग्राफी के अंदर, उसको हम कहते हैं जी लेडिंग। ठीक है, ये लीडिंग नहीं है, लेडिंग है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लेडिंग। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो द स्पेस बिटवीन फर्स्ट लाइन और उसके बाद जो नीचे वाली लाइन स्टार्ट हो रही है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड लेडिंग। और ये प्रॉपर्टीज हम किस तरीके से सेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ फॉन्ट हेयर, और इसका साइज अगर मैं अराउंड 35 यहाँ पर कर दूँ, अराउंड 65 करें, ताकि आपके लिए आसानी से पढ़ा जा सके। अगर मैंने यहाँ पर इसको सामने रखा है तो यहाँ अभी लाइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको पीछे शोर की आवाज़ सुनाई दे तो भी यहाँ पर वो एयरफोर्स के जहाज जो है फ्लाइंग कर रहे हैं, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। जब जब वो गुजरेंगे तो आपको पीछे शोर सुनाई देगा, अगर सुनाई दे रहा है तो। हम मैं लाइटिंग की बात कर रहा था, अगर आपके पास एक एक वर्ड लिखा हुआ या एक लाइन में टेक्स्ट लिखा हुआ, तो कभी भी वहां पर लेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेडिंग का कॉन्सेप्ट वहां आएगा जब मैं यहाँ पर सेकंड लाइन पर कुछ ना कुछ लिखना शुरू करूंगा। सपोजेडली अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ दिस इज द लाइन वन, और अब मैं लिखता हूँ दिस इज लाइन नंबर टू, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइन और द सेकेंड लाइन इट इज कॉल्ड लेडिंग। और हर फॉन्ट की एक डिफॉल्ट लेडिंग की वैल्यू होती है। हाउ कैन वी चेंज द लेडिंग साइज बिटवीन वन लाइन और द अदर, तो उसके लिए आप लोगों के पास बड़ा सिंपल सा काम है। आप लोग विंडो में जाएं, यहाँ से जाएं कैरेक्टर में, किधर गया, टाइप के अंदर, टाइप और टाइप में जाके कैरेक्टर पे चले जाएं। ये ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, आई जस्ट जूम इन टू दिस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट द लेडिंग। तो राइट नाउ लेडिंग इस फॉन्ट की 78 है। इफ आई सेट टू ऑटो, ठीक है, तो ऑटो पे इस फॉन्ट की लेडिंग आप देख सकते हैं 78 है। बट अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई और फॉन्ट लेता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो लेडिंग का साइज जो है ना डिफॉल्ट साइज वो डिफरेंट होगा। और हर फॉन्ट की लेडिंग का जो एक लाइन का दूसरी लाइन का डिस्टेंस है वो
वो भी सेपरेट होगा. लेट मी जस्ट शो दैट टू यू. यहां मैंने एक फॉन्ट यूज किया, यहां मैं यूज कर लेता हूं जी एक और फॉन्ट. ठीक है, अगर मैं इन दोनों फॉन्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करूं, क्योंकि मैंने सेम साइज में लिखे हुए फॉन्ट्स, दिस इज ऑल्सो 65, दिस इज ऑल्सो 65, तो यहां पर इसकी लाइन नंबर 1 है और यहां पर इसकी लाइन नंबर 2 है. ठीक है, तो लेडिंग तो दोनों की सेम है, तो लेडिंग कह रहा हूं. आप लोगों को ये एक ही लाइन पर नजर आते हुए दिख रहे होंगे, वाई बिकॉज दोनों की मैंने 78 78 रखी हुई थी. बट आप अगर ये डिस्टेंस चेक करें ना दोनों लाइंस के दरमियान, ये आप लोग देख सकते हैं हमने क्योंकि 78 रखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास तकरीबन सेम हुआ हुआ है. सो आप में से कोई ये मेरे से पूछ सकता है कि जी व्हाट इज द स्टैंडर्ड और बेस्ट साइज जो हम लेडिंग का रखें. एज सच देर इज नो बेस्ट साइज फॉर लेडिंग. मैं अगर यहाँ पर 80 कर देता हूँ, क्या मैं यहाँ पर अगर 95 कर देता हूँ, तो आपको हो सकता है आपके डिज़ाइन के लिहाज से यूँ लेडिंग कम या ज़्यादा करने पर चीज़ ठीक नज़र आ रही हो. बट अगर मैं यहाँ से इसका साइज कर दूँ 25, को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसका साइज यहाँ से कर दूँ 25, अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान जो लाइटिंग का साइज है वो 95 रहने पर कितना लदा बड़ा हो चुका है. तो इसका मतलब है कि हम अनलेस तब तक लाइटिंग को चेंज नहीं करेंगे वैल्यू को जब तक कि हमें स्पेसिफिकली जरूरत ना पड़े, अदरवाइज हमें इसको हमेशा ऑटो पे रखना है. ऑटो पे फायदा ये होता है अगर हम साइज बड़ा करें तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो पर चीज को सेट करता जाएगा, जस्ट ब्रिंग द साइज डाउन. आप लोग देखते थे ऑटोमेटिकली लेडिंग को ये चेंज कर रही है, पहले उसने 85 पे 102 कर दी, 25 पे 30 कर दी. ये किसकी बेस के ऊपर सारा कुछ सेट हो रहा है, दिस ऑल ऑफ दिस इज बीइंग सेट बाय द फॉन्ट, जो कि जब फॉन्ट स्टाइल डिजाइन किया गया था तब इस चीज का ख्याल रखा गया कि लेडिंग बाय डिफॉल्ट इतनी रखनी है. अब क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि वेयर डू वी नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ लेडिंग, ऐसे डिज़ाइन की कौन सी ज़रूरत है जहां हमें लेडिंग में जगह कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ जाती है. तो देर कैन बी न्यूमरस एग्जाम्पल्स जहां पर हमें लेडिंग का साइज जो है वो कम या ज़्यादा करना पड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वी हैड अ डिज़ाइन जिसके अंदर यहाँ पे कोई डिज़ाइन एलिमेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली डिज़ाइन समथिंग, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. सपोज ये जो जितने भी ब्लैक बॉक्सेस हैं दे शो कि यहाँ पर कोई ना कोई डिज़ाइन एलिमेंट मौजूद है, तो जो हमारे पास एम्प्टी एरिया वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट वगैरह को ऐड करके अपनी जो एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो आपको दिखाऊँ. तो सपोज अगर मुझे इन वाइट एरियाज में यहाँ टेक्स्ट यूज करना है, इफ आई प्रेस पी एंड क्लिक एंड ड्रैग करके मैं अलाइन करके यहाँ तक अगर छोड़ देता हूँ, तो इलस्ट्रेटर मेरे लिए क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ऐड कर रहा है न्यू वर्जन में. CS6 में शायद ये नहीं करता, आई एम नॉट श्योर अबाउट द PC 2015 वर्जन. तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी दिस इज द हेडर सेक्शन, और मुझे यहाँ पर फॉन्ट भी काफ़ी बड़ा यूज़ करना है. सपोज अगर मैं यहाँ पर यह लिखता हूँ इसे कि जी मुझे यहाँ पर 95 का फॉन्ट चाहिए या फॉन्ट साइज चाहिए, या आई वुड से कि मुझे यहाँ पर 75 फॉन्ट साइज, नहीं इसको लेट्स से 85 फॉन्ट साइज चाहिए.
यहाँ लिखते हैं जी 8 और ये 85 हो गया। राइट नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक हल्का सा रेड सा क्या दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है ये रेड सा। दिस मीन्स कि जब कभी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट, एक होता है ना आपके पास फ्री फॉर्म टेक्स्ट, जब आप टाइप कर टी दबाएं और आप कुछ भी लिख दें तो आप लोग मुसलसल आगे लाइन में लिखते जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एरिया स्पेसिफाई करने के बाद फिर उसमें टेक्स्ट लिखना शुरू किया है, तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह रेड सा कलर दे रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि देर इज सम टेक्स्ट जो कि मिस हो रहा है, तो वो टेक्स्ट कैसे फिल होगा जी, देखें मैं अगर इसको कंट्रोल ऑल करके 55 करता हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पर वो रेड कलर नहीं आ रहा बिकॉज ऑल ऑफ द टेक्स्ट इज प्रेजेंट हेयर। अब दिस इज अ सिचुएशन वेयर आई नीड टू टेक केयर ऑफ लेडिंग, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स में जाकर लेडिंग को ऑटो करूँ तो आप लोग ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि इट इज सेट टू ऑटो बट चीजें नजर नहीं आ रही। तो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन मुझे लेडिंग जो है वो डाउन का बटन दबाएंगे तो डिक्रीज होने लग जाएगी, और इस सूरत में आई वुड बी एबल टू सेट द लेडिंग वैल्यू एज पर माई रिक्वायरमेंट ताकि इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो शो हो सके। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है, देर इज सिंपली नो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन ऑन यू पीपल के आप लोगों को खास इस साइज के ही साइज चूज करना है, आप लोग इससे ज़्यादा या कम दोनों सूरतों में लेडिंग रख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। बट मैंने सिचुएशन ऐसी इसलिए यहाँ पर रखी कि आप लोग बआसानी देख सकें कि वेयर वुड यू नीड टू हैव दिस लेडिंग वैल्यू सेट टू योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस, और वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपके पास अमूमन साइजिंग के कॉन्स्ट्रेंट्स हों तो आप लोग बआसानी जो है वो वहाँ पर टेक्स्ट एडजस्ट ना कर पा रहे हों, तो इस सूरत के अंदर हम फिर लेडिंग के मामले में चीज़ों को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करते हैं। इस चीज़ पे तो आपको समझ आ गई होगी कि जो मैंने यहाँ पर कस्टम लेडिंग जो है वो सेट की है। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी कोई कंफ्यूजन वगैरह जो है वो दूर कर सकूं, अगर कोई है तो। अभी तक तो कमेंट सेक्शन के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई कंफ्यूजन अभी है, लेकिन अगर है या आपको किसी चीज़ का कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलूँ। जी आई बिलीव कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, अगर कोई कमेंट करता है तो आई टेक दैट पर्टिकुलर कमेंट। अब मैंने ऑल ट्रैक से इसकी कॉपी बनाई और आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन मुझे यहाँ पर लेडिंग जो है वो कस्टम नहीं चाहिए, पर सेट इट टू ऑटो। एंड हेयर आई एम इंक्रीजिंग द साइज के मैं टेक्स्ट की जो है फुल विड्थ के लिहाज से जितना हमारा सेक्शन है, अगर आप लोग देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर दो ये बॉक्सेस लगाए थे सेम विड्थ के, ताकि
ताकि मैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर प्रॉपर मार्जिन जो है वो फॉलो कर सकूं। तो ऐसी सूरत में तो मुझे किसी किस्म की कोई भी लेडिंग की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपली टेक्स्ट रखा यहाँ पर और उसका साइज बड़ा कर दिया ताकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाए पूरी। बट अगर मैं इसकी यहाँ से शिफ्ट ओ से कॉपी शिफ्ट ओ से आर्टबोर्ड पकड़ूँ और ऑल्ट से ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इसको इधर ले जाऊं, तो आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा का पूरा आर्टबोर्ड भी कॉपी कर सकता हूं। सो अगर आपको ये नहीं पता था कि आप लोग आर्टबोर्ड भी कॉपी कर सकते हैं, या डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम आर्टबोर्ड को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। अब आर्टबोर्ड पे यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों को डुप्लीकेट करके समझानी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके लिए मैं साइज करने लगा हूँ यहाँ पर 85। ऑलराइट, अब आप कहेंगे कि जी आपने साइज छोटा कर दिया तो अब इसमें क्या चीज़ समझाने लगे, तो मैं अब आपके सामने जो है वो अगली जो प्रॉपर्टी समझाने लगा हूँ दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड द स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जब हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं। सपोज वी हैव अ कंस्ट्रेंट कि हम टेक्स्ट का साइज जो है वो बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट कि हम टेक्स्ट का जो साइज है वो बड़ा नहीं कर सकते। लाइक अगर अभी ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है कि वी कैन नॉट एक्चुअली इंक्रीज द टेक्स्ट साइज फ्रॉम 85। अब ये जो मेरे पास द मेन बॉडी एरिया है, आई वॉन्ट दिस मेन बॉडी एरिया टू बी गोइंग फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड और ये राइट साइड के यहाँ तक ये जाए। इसका एक हाल तो ये है कि जी आई जस्ट मेक श्योर कि जी मैं इसका साइज जो है वो बड़ा करता रहूँ और वहाँ तक करता रहूँ जहाँ तक ये मेन बॉडी एरिया जो है ना का ए जो है एंड तक चला जाए। बट इस सूरत में आप लोग देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या है। हमारा डिजाइन सेक्शन इतना बड़ा है कि वहां पर टेक्स्ट के साथ वो ओवरलैप कर गया है, तो हेयर वी नीड समथिंग स्पेशल जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी टाइपोग्राफी की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको सीखेंगे, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कर्निंग। एंड द अदर वन इज नोन एज ट्रैकिंग। ठीक है, अगर आपको ट्रैकिंग की एग्जाम्पल मैं इमेज के लिहाज से आप लोगों को ये दिखा सकूँ तो आप लोगों को बड़े आराम से टाइपोग्राफी के अंदर ये ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा होगा कि ट्रैकिंग के अंदर हम दो जब एक वर्ड है तो उनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको कुछ इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उसका फैलाव जो है वो बढ़ता चला जाए। लेट सी हाउ वी कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल हेयर। इसको मैं सेंटर करता हूँ बिकॉज मुझे सेंटर करने की इसलिए भी जरूरत महसूस हो रही है ताकि जब मैं इसकी इंक्रीज करूँ ट्रैकिंग तो दोनों साइड पे इवनली इम्प्लीमेंट हो। आई वुड सेलेक्ट द टेक्स्ट, तो यहाँ से करेक्टर स्टाइल्स पकड़ूंगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज नोन एज ट्रैकिंग। द ऑप्शन बिलो लेडिंग ऑप्शन इज नोन एज ट्रैकिंग। और यहाँ अगर मैं इंक्रीज करूँ, सपोज इसको मैं कहता हूँ जी 100 कर दें, तो आप लोग देख सकते हैं 100 सेट करने पर और 0 सेट करने पर कितना मेजर डिफरेंस आ गया है कि हम जो अपना एरिया दिस इज द मेन बॉडी एरिया का टेक्स्ट जो था वो कम्प्लीटली विड्थ के लिहाज से जो सेट करना चाह रहे थे नाउ वी कैन एक्चुअली सेट इट।
आप लोग यहाँ से वैल्यू बढ़ाते जाएं। फोटोशॉप में ये एक दफ़ा प्रेस करने पे 20 पॉइंट्स इंक्रीज करता है, इलस्ट्रेटर में एक दफ़ा सेट करने इंक्रीज करने पे 1 पॉइंट ही इंक्रीज करता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 180 के आसपास अपनी ट्रैकिंग का साइज रखा, तो इस सूरत में मेरे पास क्या हुआ, पूरा जो ये टेक्स्ट था मेरे पास, दिस इज द मेन बॉडी एरिया, नाउ इट इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर टू द राइट कॉर्नर, या सेम मार्जिन से लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन पर इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज ट्रैकिंग। और ये कॉन्सेप्ट हमें कहाँ यूज करना चाहिए, दिस इज मेनली यूज इन लोगो डिजाइन्स, जहाँ आपके पास लोगो का ग्राफिक है, उसके नीचे उसका बिजनेस का नेम है और उसके नीचे उसकी टैगलाइन आ रही है, तो ये वहाँ पर अक्सर यूज कर लिया जाता है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी शो करवाता हूँ। मैगजीन्स, बैनर्स, जहाँ पर टेक्स्ट ज़रा ज़्यादा होता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू द लोगो डिजाइन एरिया और यहाँ था ये लिंक्स टू कैपिटल का लोगो, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डिजाइन वेरिएशन है लोगो की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइज जो है, यहाँ देख लें, ये आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कस्टम विड्थ में रखी गई है ट्रैकिंग, ताकि बिजनेस एंड पर्सनल फंडिंग सॉल्यूशंस जो है ना वो आसानी से कहाँ सेट हो सकें, इस लिंक्स टू कैपिटल के पूरे लोगों के विड्थ के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर इसको यूज करना है तो व्हाट वुड आई डू, मैं सेंटर में रख के बिजनेस एंड, पता नहीं कौन से सोल्यूशन थे, बिजनेस एंड पर्सनल फंडिंग सोल्यूशन, अगर मैं अपने इस टेक्स्ट को यूं करके साइज बड़ा कर देता हूँ, ये जो टैगलाइन है नीचे, इतनी बड़ी टैगलाइन हम अमूमन लोगों में यूज नहीं करते इस साइज की, रीजन बेइंग के अगर इतनी बड़ी टैगलाइन का फॉन्ट साइज यूज करें ना, टैगलाइन इतनी बड़ी हो सकती है लेकिन टैगलाइन का फॉन्ट इतना बड़ा हम यूज नहीं करते अमूमन। उसकी रीजन क्या होती है कि अमूमन हमारे पास टैगलाइन है, उसका टेक्स्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो मेन लोगो की जो है ना वो डिज़ाइन से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए या इक्वली प्रोमिनेंट हो। ऐसी सूरत में फिर हमें क्या करना पड़ता है, साइजेस जो है वो डिक्रीज करने पड़ते हैं। और साइज डिक्रीज करने की वजह से फिर हमें यहाँ पर ट्रैकिंग की मदद से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये यूं विड्थ रख के कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा अगर मैं टेक्स्ट का साइज रखूँगा तो ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है कि इट इज़ टू बिग फॉर बीइंग द टैगलाइन। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसका साइज जो है वो अराउंड 25 सेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका साइज यहाँ से 25 सेट करता हूँ तो द साइज ऑफ द टेक्स्ट हेयर इज एज पर माई रिक्वायरमेंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा सपोज हम इसको 28 कर लेते हैं, या 25 वुड बी पॉसिबल, एनीथिंग बिलो 25 वुड बी हार्डली रीडेबल। तो अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब इसकी जो है वो ट्रैकिंग वो कुछ इस तरीके से
सेट करूंगा कि मेरे पास ये फुल वेट पे चला जाए। यहाँ पे अराउंड 150 करने पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आई एम जस्ट राइटिंग 200 हेयर, 235 आई गेस, नहीं ज़्यादा चाहिए इसको, 275, 310, 330, सॉरी 330। अराउंड 345 पे जाकर ये चीज मेरी सेट होगी। नाउ यू कैन सी के टेक्स्ट की एक फॉन्ट साइज उतना ही रहा है और उसके दरमियान हम जो स्पेसेस है, स्पेसिंग है वो इतनी बढ़ा ली है कि जो टेक्स्ट साइज था वो सेम रहा, तो वो इतना प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहा कि वो लोगों के साथ मिक्सअप हो जाए, और ना ही वो इतना डी वैल्यूड लग रहा है कि उसकी तरफ ध्यान ना जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो तो ट्रैकिंग है उसकी कुछ इस तरीके से रियल लाइफ में यूजेज कर सकते हैं। अगर आप इसकी मजीद यूजेज की एग्जांपल देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर यूज करना पड़ जाए, सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं ट्रैकिंग करूँगा पहले 0.5, यहाँ पर करूँगा अराउंड 32-40, इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रैकिंग इन टाइप ऑफ ग्राफी। तो व्हाट इफ इसको अगर मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो हम लोग अपनी मर्जी से हर लाइन को फिल करने के लिए एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट को लेकर भी उसकी ट्रैकिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 90 के बजाय 105 करता हूँ, लाजमी नहीं कि आप हर लाइन के ऊपर सेम जो है ना वो अप्लाई करें वैल्यू। आपको कुछ लाइंस पर कुछ टेक्स्ट में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट वैल्यूज भी अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। ऑल्दो मैं इस प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता और मैं आप लोगों को इनक्रेज भी नहीं करूँगा कि आप इस प्रैक्टिस को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, बट कहने का मकसद ये है कि इसको आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप लोग ये जान सकें कि देर आर सम डिज़ाइन जहां आप लोगों को कस्टम ट्रैकिंग भी सेट करनी पड़ सकती है। अंडरस्टूड? सो दिस वाज जस्ट अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन मैनेज ट्रैकिंग, और ये काम आप लोग जो है वो अपनी मर्जी से जहां जहां जरूरत पड़े वहां बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक भी मोस्टली चीज़ें क्लियर ही होंगी, सिंस आई डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आई अज्यूम कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, और अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ जी यहाँ तक तमाम लोग, ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग, तो मुझे यहाँ पर बता दें यस इट इज़ क्लियर, तो फिर मैं करने की तरफ चलता हूँ।
ओके, मोहम्मद आसिफ फेस के क्लियर है, ऑलमोस्ट क्लियर अहमद बट व्हाट इज इट जो कि आपका कंप्लीटली क्लियर के बजाय ऑलमोस्ट क्लियर करवा रहा है, इधर काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं आगे उसको डिस्कस कर लूं। चलें जी, मैं अब चलता हूँ करने की तरफ, सिंस आप लोगों ने कमेंट्स कर दिए हैं कि यस इट इज क्लियर टू यू, तो इट इज गुड। ओके, प्रैक्टिस तो फिर इंप्लीमेंट करने वाली चीज की है ही है, वो तो मुसलसल रहती ही है। बाकी आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ आ गया कि नहीं? अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर हम चलते हैं आगे कैर्निंग की तरफ, और कैर्निंग के अंदर हमारे पास जो पहली चीज है वो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाना है, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंस वो भी समझाना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैर्निंग एंड लैडिंग, सॉरी कैर्निंग एंड ट्रैकिंग, क्योंकि ये दोनों एक हद तक ना सिमिलर हैं कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द स्पेसिंग, बट आप लोगों को जो है ना वो फिर भी बताना पड़ेगा। अब आप लोगों में से कोई कह सकता है कि जी ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज देयर नीड के हम स्पेसिफिकली कैर्निंग लडिंग या इन चीजों का ख्याल रखें? तो इट इज ऑल अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ द डिजाइन। आपके पास जो डिजाइन की एस्थेटिक्स हैं, जब हम टेक्स्ट के फॉर्म में टाइपोग्राफी में उसकी बात करते हैं, तो एस्थेटिक्स में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप लोगों का जो टेक्स्ट डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है उसके अंदर इरेलीवेंट चीज़ें ना हो, उसके अंदर एक प्रॉपर खूबसूरती वाला मामला आ रहा हो। तो आपके टेक्स्ट को जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट यूज होना है डिज़ाइन के अंदर, उसको प्रोफेशनल और प्लीजिंग टू दी आई दिखाने के लिए इन तीनों या चारों चीज़ों का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम जो है ना वो कैर्निंग की बात कर लेते हैं। अगर आप कैर्निंग की बेसिक डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास इसके अंदर इंडिविजुअल लेटर्स की जो है ना वो स्पेसिंग जो है ना एडजस्ट की जाती है, जबकि आप लोगों के पास अगर मैं ट्रैकिंग की बात करूँ, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ट्रैकिंग में आप देखें तो लेटर स्पेसिंग की जाती है और कैर्निंग के अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की स्पेसिंग हम सेट करते हैं। इसकी एक अच्छी एग्जांपल आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप लोगों को वहां पर ट्रैकिंग लेडिंग का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। अब ये जो LAV लिखा हुआ है इसमें मैं आपको सारा का सारा करके दिखाता हूँ। सपोज अगर मैं एक नया आर्टवर्ड क्रिएट करूँ यहाँ पर रैंडमली और कंट्रोल जीरो करूँ, तो याद रखिए एक्टिव आर्टवर्ड पे आप लोगों को ले जाता है कंट्रोल जीरो पर। आपने अगर यूं जूम आउट किया हुआ हो और आप चाह रहे हैं कि जी कंट्रोल जीरो करें, तो ये थर्ड वाले पेज से लेके जा रहा है, इट वॉज लास्ट एक्टिव आर्ट बोर्ड जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैंने चूंकि लास्ट एक्टिव चीज किस पे सेलेक्ट की थी, सेकंड आर्ट बोर्ड से, तो इसके कंट्रोल जीरो दबाने पर वो उधर नहीं गया, और अब मैं कंट्रोल जीरो करूंगा तो ये फर्स्ट वन लेके जा रहा है बिकॉज लास्ट एक्टिव
सिलेक्शन दैट आई मेड वाज ऑन द फर्स्ट आर्ट बोर्ड. तो अगर आपके पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड हैं तो उस हवाले से फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिस आर्ट बोर्ड पे बाद में जाना है तो कोई ना कोई चीज सेलेक्ट करके कंट्रोल 0 दबाएंगे तो वो उस आर्ट बोर्ड पे ले जाएगा. देखें जी, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक अदद टेक्स्ट लिखा हुआ है. अब अगर मैं इस टेक्स्ट की बात करूं आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं इंडिविजुअल लेटर स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस हमारे पास यहां पर मौजूद है ए और एल के दरमियान वो सिर्फ इतना सा है, जबकि अगर मैं बी और ए के दरमियान डिस्टेंस निकालूं तो इट इज जीरो डिस्टेंस. ठीक है, बट अगर मैं ये चीज देखूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि एल ए और वी और ए के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा महसूस हो रहे हैं. इस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जी मैं इसकी कंट्रोल शिफ्ट और डाउन से स्पेसिंग जो है ना वो सेट कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेटर्स की. अब अगर आप इसको देखें तो नाउ दिस लुक्स वे मोर प्रोफेशनल देन जब यहाँ पर इसकी जो है वो सारा कुछ जो है वो ऑटो पे डिफॉल्ट जीरो पे सेट हुआ हुआ था. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप किस तरीके से चीजों को अपने लिहाज से प्लीजिंग टू द आई बना सकते हैं. अगर मैं इसको मजीद प्लीजिंग टू द आई बनाना चाहूँ ना तो व्हाट आई वुड डू इज के मैं इसको यहाँ से जाऊँगा क्रिएट आउटलाइंस के ऊपर और मैं एक छोटा सा काम और भी करूँगा. व्हाट आई वुड डू हेयर इज के इसको कंट्रोल शिफ्ट जी दबा के कंट्रोल आर दबा के रूलर्स लेके आऊँगा और यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर दिया, गाइड ऐड कर दी. फिर मैं क्या करूंगा, यहां से एक और गाइड ऐड करूंगा और इसको सेलेक्ट करते हुए इस एंकर पॉइंट पे एक और गाइड ऐड करूंगा. अब ये मैं क्या करने जा रहा हूँ ये मैं आपको भी समझाता हूँ. व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू हियर, अगर आप लोगों को कभी महसूस हो कि आप गाइड जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं एन इस पॉइंट के ऊपर और आप लोग देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में मेरी पूरी कोशिश के बावजूद भी गाइड जो है ना या तो इससे नीचे जा रही है या इससे ऊपर जा रही है, एन एंकर पॉइंट पे नहीं बैठ रही. उस सूरत में आप लोग जाएंगे व्यू पे और आप लोग यहाँ से व्यू टू स्नैप टू पिक्सल खत्म कर देंगे. अब आप देख सकते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक ये जिस जगह आप रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, क्योंकि पिक्सल का साइज होता है 1x1 का और वो लाइन से अगर नीचे कहीं आ रहा हो तो आपको वहां पर गाइड ऐड करने की ऑप्शन नहीं देगा. तो अगर कहीं आप लोगों को ऐसा मसला हो तो आप लोग यहाँ पर स्नैप टू पिक्सल खत्म करके स्नैप टू पॉइंट रहने दें. उसका फायदा ये होगा कि जिस पॉइंट पे आप ऐड करने की कोशिश करेंगे वहां आप लोग आसानी ऐड कर सकते. ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, ए पकड़ा इसकी कॉपी बनाई कंट्रोल सी से और कंट्रोल शिफ्ट वी से इसकी कॉपी जो है ना वो जनरेट कर दी. अब अगर मैं इसको ए को यहां रखूं
या मूव करवा के इसको इस पॉइंट पे लेके जाऊं, तो आई कैन सी कि दिस इज द पॉइंट वेयर मेरे पास ये जो ए है ना इसकी लाइन बन रही है. सो आई आई वुड डिलीट दिस वन. इस पे क्लिक करूंगा, ए प्रेस करूंगा फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और पहले जरा इस गाइड्स को जरा लॉक कर लें. ए प्रेस किया, इस एंकर पॉइंट को पकड़ा, सिर्फ इस वाले को डबल क्लिक करके एंकर पॉइंट को पकड़ा और यहां तक ले गया मैं. ठीक है, अब अगर मैं इस टेक्स्ट को देखूं तो दिस लुक्स इवन बेटर. व्हाई? बिकॉज मैंने लावा के अंदर जो एल का लास्ट जो ये व्हाइट सॉरी स्ट्रेट लाइन थी उसको भी ए वी और ए के दरमियान के लिहाज से बिल्कुल सेम एंगल के ऊपर टेढ़ा कर दिया हुआ है. नाउ माय डिजाइन लुक्स इवन बेटर. एंड इफ आई वांट टू मेक फर्दर चेंजेस टू दिस डिजाइन तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? मैं इस गाइड के लिहाज से ये कॉपी किया, उसको कंट्रोल शिफ्ट वी किया, और यहां पर भी रख दिया ताकि ये जो इसका लास्ट वाला नीचे से जो ए का डंडा सेंटर वाला स्टार्ट हो रहा है ना वो भी आपके पास एल की हाइट में आ जाए. इसके आगे मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, ये ऊपर से ये ए वाला इतना सेक्शन डिलीट भी कर दूं तो वो इससे भी बेहतर लगेगा. बट यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग बड़ी आसानी से अपने जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग अपनी मर्जी के लिहाज से कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर कोई और फॉन्ट ले लूँ, सपोज यहाँ पर मैं एवनर ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये इशू यहाँ पर भी मौजूद है. ठीक है, तो हर फॉन्ट में आपको इस तरह के चीज़ों में चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डी के साथ वाई लिख दूँ और मैं ए लिख दूँ और फिर पी लिख दूँ, इनके डिस्टेंसेस आपको वैसे तो ठीक नज़र आ रहे होंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, वाई को बड़े आराम से यूँ, ए को बड़े आराम से यूं, और इस तरह चीजों को सेट कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मैनेज कर्निंग हेयर इन द डिजाइन्स. आप लोगों को होपफुली इसकी चीज की भी समझ आ गई होगी. अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो आई कैन रिपीट इट फॉर यू. द लास्ट वन इज नोन एज लेजिबिलिटी. ठीक है, और लेजिबिलिटी जो है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए डिजाइन की टाइपोग्राफी, डिजाइन के अंदर बेसिक्स को समझने के लिए लेजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैं आप लोगों के सामने लेजिबिलिटी के लिहाज से दो डिजाइन जो है ना वो क्रिएट करता हूँ और आप लोगों को होपफुली लेजिबिलिटी की समझ आ जाएगी. पहले तो देख लेते हैं ना लेजिबिलिटी का मतलब क्या होता है. क्लैरिटी, आसानी से नजर आ जाने वाले, दिख के नजर आ जाने वाली चीज, वो है जी लेजिबिलिटी. किसी की गंदी राइटिंग हो तो हम कहते हैं कि आपने जरा भी लेजिबल टेक्स्ट नहीं लिखा कि जो आसानी से रीड किया जा सके. लेजिबिलिटी में फॉन्ट साइजेस और कलर्स और एक्चुअल फॉन्ट्स बहुत मैटर करते हैं. ठीक है, सो अगर मैं आपको सबसे पहले कलर के लिहाज से लेजिबिलिटी की एग्जांपल दूं, ये ब्लैक है, इसमें मैंने लिखा कि दिस इज अ लेजिबल
यहाँ पर लिखता हूँ जी कुछ इस तरीके से, दिस इज अ लेजिबल टेक्स्ट। इसका कलर जो है वो हम कुछ ग्रेनिश ले, ये तो चुभने वाला ग्रीन है, कोई अच्छा ग्रीन कलर ले लेते हैं। क्या मैं फॉन्ट भी अच्छा चूज कर लेता हूँ और साइजिंग थोड़ी, साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। और चूंकि लास्ट टाइम की वो सेट हुई ऑटो किया इसको, और इसको थोड़ा कम कर लेते ताकि टेक्स्ट जो है ना वो बआसानी मेरे पास। एंड इफ वी सपोज के यहाँ पर डिजाइन वगैरह जो है ना वो आ जाना था, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आपको इस डिजाइन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही होगी कि रीडेबल भी है। बट व्हाट इफ आई से कि दिस कैन बी मेड मोर लेजिबल अगर मैं सिंपली यहाँ से इसका कलर वाइट ले लूँ। तो आप लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कलर चेंज की वजह से मैंने क्या कह दिया कि दिस वन बिकम्स मोर लेजिबल देन दिस वन। तो लेजिबिलिटी में हमारा ये टारगेट नहीं होता कि चीज़ सिर्फ नज़र आ जानी चाहिए, हमारा ये मकसद भी होता है कि चीज़ की जो प्रोमिनेंस है वो भी 110% बेहतर की जा सके, रादर देन कि हम कहें जी 85 to 90% चीज़ ठीक नज़र आ रही है। लाइक इफ यू वॉन्ट टू रिमेन इन द सेम कलर तो मैं ये भी सिलेक्ट कर लो, तो दिस वन डजंट लुक बैड, बट उसके मुकाबले में अगर मैं ये कलर चूज करूं तो आप लोग देख सकते हैं द लेफ्ट वन एंड द राइट वन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लेजिबिलिटी। अंडरस्टूड? तो यहां से हमारे पास कुछ इस तरीके की बात भी समझ आ गई कि व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ अ लेजिबल टेक्स्ट, सेम कलर में रहते हुए और डिफरेंट कलर्स के अंदर कंट्रास्ट कलर यूज करते हुए या सेम कलर यूज करते हुए हमारे पास किस तरीके से टेक्स्ट की लेजिबिलिटी जो है ना वो एडिट या मॉडिफाई की जा सकती है या कंट्रोल की जा सकती है। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कलर के हवाले से। आगे मैं आपको बताता हूँ जी फॉन्ट के हवाले से। व्हाट इफ नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं, हमारे फोन पे पैसे लग रहे हैं आर्टबोर्ड बनाने में। आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी दिस आर्टबोर्ड ऑल ऑफ इट हेयर एंड ऑल ऑफ इट हेयर। तो अब मैं आपको लेजिबिलिटी एग्जांपल दे रहा हूँ जी फॉन्ट के हवाले से। अब अगर आप लोग इसका कलर सेम रख लें, अगर मैं इसका कलर जो है वो सेम ही बार रख देता हूँ, सपोज अब मैंने कलर भी उससे इवन के ब्राइटर यूज कर लिया, नाउ आई वुड से कि जी विच वन लुक्स बेटर। तो टेक्स्ट तो दोनों में नजर आ रहा है, बट आप लोग अगर इन दोनों को कंपेयर करें द लेफ्ट वन एंड द राइट वन, दोनों सूरतों में आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों की लेजिबिलिटी ये जो सेकंड वाला है उससे बहुत खराब है और बिल्कुल है भी। रीजन बीइंग के यहाँ पर जो टेक्स्ट है
वो बहुत अच्छे तरीके से रीड किया जा रहा है सेकेंड वाले में। या अगर मैं आपको एक और बैड एग्जांपल ऑफ लेजिबिलिटी दिखाऊं तो आप लोग शायद चीज को समझकर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि फॉन्ट्स बड़ा मैटर करते हैं। ठीक है, ये जो ये वाला फॉन्ट है ये बड़ा अच्छा लगता किसी और जगह, जहाँ मैंने कोई पार्टी स्टाइल, कोई बर्थडे इनविटेशन वगैरह, या कोई फन जिस तरह कहते हैं हैंगआउट वाला कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो, वहां पर शायद ये अच्छा लग जाता, बट यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा भाई, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इसकी वजह से लेजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। या व्हाट इफ आई शो यू द वर्स्ट एग्जाम्पल फॉर लेजिबिलिटी, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ग्रेट वाइब्स फॉन्ट, तो यहाँ तो आके बात ही खत्म हो जाएगी ना, आपको ये चीज समझ आने नहीं समझ ही नहीं आएगी कि लिखा क्या हुआ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बड़े आराम से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ लेजिबिलिटी जब हम टाइपोग्राफी डिज़ाइन की बात कर रहे होते हैं इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो क्या आपको लेजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मैंने आपको बताया था कि लेजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट साइज एंड कलर, तो आप लोग देख सकते हैं कि तीनों की मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल शो करवा दी हुई है। आप इनमें से किसी एक को भी पकड़ के इसका साइज छोटा कर दें। व्हाट इफ आई से कि जी आपने इसका साइज 25 कर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी उसकी तकरीबन 0 to none हो चुकी हुई है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने मैंने एलिजिबिलिटी की भी सारी बातें कर ली। अब हम चलते हैं जी अपनी लास्ट टॉपिक जो आज का है, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, जो कि बड़े बहुत मैटर करते हैं इन ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, और हम उसकी तरफ जरा चलते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं कि हाउ थिंग्स एक्चुअली लुक लाइक टू अस जब हम फॉन्ट्स के हवाले से जब बात करते हैं, तो कहाँ कौन सा फॉन्ट यूज करना है बड़ा मैटर करता है। तो इसके बारे में हम जो है अब जरा स्टडी करते हैं। उससे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास होते हैं कि चार किस्म के फॉन्ट्स। ठीक है जी, और चार किस्म के फॉन्ट्स को हम देख लेते हैं। कहीं आपको चार लिखेंगे, कहीं कहीं आपको तीन दिखेंगे, कहीं आपको पांच दिखेंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि कुछ टाइप्स को हम सेपरेट, एक दो टाइप्स को हम, कुछ लोग कहते हैं एक्टिवेशन है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसकी वेरिएशन नहीं, इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो हम कह लिख लेते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं शिफ्ट दबा के, ताकि इसका फॉन्ट का बड़ा रखना हो। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अ फॉन्ट, जो मैंने आपके सामने भी की है। जब मैं इसको सीख रहा था टाइपोग्राफी को, तो मैं जिस बंदे का ब्लॉग फॉलो कर रहा था उसने लिटरली अपने ब्लॉग में लिखा हुआ था कि जब भी कभी आप लोग फॉन्ट के साथ ये ज्यादती करते हैं ना, ये वाला काम करते हैं, तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई बैठा ग्राफिक डिजाइनर अपनी मौत आप मरता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, इट इज अ डिजाइनिंग क्राइम अगर आप किसी फॉन्ट के साथ बगैर किसी रीजन के ये कर देंगे।
ठीक है। और ये काम हम अमूमन करते भी हैं कि किसी फॉन्ट का जो है ना वो स्ट्रेच कर देना, लेकिन वो तब करते हैं जहां हमें जरूरत हो। अदर देन दैट अदर देन दैट हमें एज सच जो है वो जब जरूरत पड़ती है तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होती हैं, और उन स्पेसिफिक रीजंस को मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टी शर्ट डिजाइन में जरूर शेयर करूंगा। वहां पर हमें अक्सर इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ जाती है। एनी वेज अदर देन दैट आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। चलें जी, चार टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स जो है वो आप लोगों के सामने हम रखते हैं। द नंबर वन इज नोन एज सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। और ये सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं। इसके लिए मुझे कोई सेरिफ फॉन्ट ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि सेरिफ्स होते क्या हैं। ठीक है जी, आपको समझाने के लिए यस दिस फॉन्ट वुड बी फाइन। सेरिफ जो है ना, वर्ड सेरिफ ये फ्रेंच जुबान का लफ्ज है, और अगर मैं सेरिफ का मीनिंग लिखूं यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अ स्लाइट प्रोजेक्शन फिनिशिंग ऑफ अ स्ट्रोक ऑफ अ लेटर इन सर्टन टाइप फेसेस। आपके लेटर के अंदर जो कि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसके अंदर कुछ प्रोट्रूजन होती हैं, जो कुछ चीजें निकली हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर देखें, जस्ट चेक हेयर, ये अगर मैं इस आर की बात कर लूँ, दिस आर, तो इस आर के हवाले से हमारे पास ये एक प्रोट्रूजन निकली हुई है। देन दिस वन, ब्रश का साइज छोटा कर लो, दिस वन, दिस वन, इवन के आर में भी आपको नजर आ रही होगी, आई में भी आपको दोनों तरफ नजर आ रही होंगी। तो दीज लेटर स्मॉल कैप्स, या ये जो एक्सटेंशन होती हैं लेटर्स की, इनको हम क्या कहते हैं, सेरिफ्स, ठीक है ना। और ये फ्रेंच का जुबान का लफ्ज है, और आपको जिस भी फॉन्ट के अंदर ये स्मॉल प्रोट्रूजन्स बाहर निकली हुई लेटर के एंड पर या उनके किसी भी पार्ट से निकली हुई नजर आ रही होंगी, तो आप इंस्टेंटली समझ जाएंगे कि ये सेरिफ फैमिली के फॉन्ट्स हैं, ठीक है। मैं लिख भी उन फैमिलीज की फॉन्ट जो टाइप है उसी के अंदर इनका नाम भी लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज नोन एज सैंस सेरिफ, सैंस सेरिफ, ठीक है जी। और इसके लिए मैं अगर आपके सामने फॉन्ट रखूं मॉन्टसेरेट, अरे मीडियम यूज कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं आगे सैन सेरिफ फॉन्ट भी, इसकी फैमिली भी बता रहा है। आप अगर यहां पर देखें तो यू वुड नॉट सी एनी काइंड ऑफ दोज कैप्स और स्मॉल प्रोट्रूजन्स जो कि आप लोगों को यहां पर निकली नजर आ रही हैं। द रीजन बीइंग कि सैंस का मतलब होता है नो इन फ्रेंच, तो ऐसे फॉन्ट्स जिनके सेरिफ नहीं है दोज आर नोन एज सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ का मतलब है विदाउट सेरिफ, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं
ये लेटर के अंदर कोई खास प्रोट्रूजन्स वगैरह नहीं निकल रही। इससे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉन्ट्स हैं, दोज आर नोन एज डेक्यूरेटिव फॉन्ट्स, ठीक है, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ कह लें कि इस पे जिस तरह उलमा का इश्तेहाद होता है ना, इस तरह ग्राफिक डिजाइनर्स का इस पे इश्तेहाद नहीं है कि इसको हम स्पेसिफिकली एक अलहदा फैमिली कह सकते हैं या नहीं, बट डेकोरेटिव फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को डेकोरेशन के आइटम्स या अदर देन सेरिफ्स कुछ डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर सम फॉन्ट्स जिनके अंदर आर के बाद जो है ना यूं लाइन्स बनती जाएंगी। अगर आप लोगों ने कुछ फॉन्ट्स देखे हुए हों, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे, या वेडिंग वगैरह इन्विटेशन के लिए भी वो यूज़ होते हैं, उसके ऊपर जिस तरह वो वेडिंग के रिंग्स होते हैं उस तरह। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। जस्ट लाइक दिस आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज अ डेकोरेटिव फॉन्ट, इसके अंदर डिजाइन के एलिमेंट्स इटसेल्फ अंदर मौजूद हैं, डिजाइन के टाइपोग्राफी में लेटर्स के। यहाँ भी अगर आप लोग देखें ए बी सी डी, ए में, ई में, एफ में, जी एच में देख लें, एम एन में, पी में देखें, आपको डेकोरेटिव चीज़ें नज़र आ रही होंगी। देन अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये जो मैं आपको एक्सटेंशन कह रहा था, इसका रिंग टाइप बने होते हैं। यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई में आपको सारी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर आप लोग यहाँ इसको भी देख लें तो दिस इज ऑल्सो अ डेकोरेटिव फॉन्ट, तो आप लोगों को यहाँ पर वो जो वाइब है डेकोरेशन की यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सो दिस इज द अदर काइंड ऑफ फॉन्ट, डेकोरेटिव फॉन्ट, जिनको हम अमूमन कहाँ यूज़ करते हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देन इसके बाद आता है जी हमारे पास गॉथिक फॉन्ट्स, जी ओ टी आई सी एच। इस पर भी उलमा का जो है ना डिज़ाइनर्स का इतिहाद नहीं है कि इसको हमें स्पेसिफिकली अलहदा फैमिली कहनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। दीज आर दोज फॉन्ट्स जो कि अगर आप लोगों को याद हो तो रोमन इंग्लिश वगैरह के अंदर जो आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती थी बादशाहों की, उसके अंदर बादशाहों के नाम जो हैं, या अभी भी एंशियंट ग्रीक मिथोलॉजी या उसके अंदर जो इस तरह लंबे लंबे वो पैगाम पहुँचाया करते थे, तो वहाँ पर इस तरह के जो है ना लेटरिंग्स यूज़ की जाती थी गॉथिक। एंड द लास्ट वन इज नोन एज स्क्रिप्ट बेस्ड फॉन्ट्स, जिनको आप लोग अमूमन हैंड राइटिंग या जॉइनिंग राइटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ब्लेंडा, आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट बेस्ड फॉन्ट है, इसके आगे स्क्रिप्ट लिखा भी हुआ था। बाकी आगे राइट साइड पे आपके सामने उनके तमाम के तमाम क्या आ रहे हैं जी, प्रीव्यूज। और अगर मैं यहाँ पर चूज करूँ जी ग्रेट वाइब्स, दिस इज अनदर फॉन्ट जो कि आप लोगों के पास सामने स्क्रिप्ट बेस्ड है। स्क्रिप्ट बेस्ड फॉन्ट्स आपके पास ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो कि जॉइनिंग राइटिंग या हैंड लेटर राइटिंग के लिहाज से डिजाइन किए जाते हैं। तो दीज आर फोर और फाइव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट फैमिलीज जो के हमारे पास टाइपोग्राफी में एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट करने की और लर्न करने की है कि आप लोगों के पास इन डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। सो उसके हवाले से मैं आपको इनके आगे लिख के बता ज़रूर देता हूँ ताकि आप लोगों को कल को याद रहे। कौन से फॉन्ट्स कहाँ यूज करने हैं और कहाँ नहीं।
इसका साइज में जरा छोटा कर लूं, 20 के आसपास। अच्छा, अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप लोग ये समझें कि कौन से फॉन्ट्स किस सिनेरियो में कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो भी फॉन्ट सेरिफ फॉन्ट होगा, देर कैन बी थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ डिफरेंट सेरिफ फॉन्ट्स, वो अमूमन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, और प्रिंटिंग मटेरियल रिलेटेड टू रीडिंग, वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोग न्यूज़पेपर्स में देख लें, हमेशा आपके पास सेरिफ फॉन्ट्स यूज होते हैं, या आप अभी जाके कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लें, ठीक है, इफ आई से द न्यूज़, आप इनकी इवन हबर को भी खोल के देख लेंगे ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेरिफ फैमिली का फॉन्ट टाइप फेस यूज कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पी के भी एक प्रोटूजन लिखी हुई है, या टी की दो निकली हुई है, एच की तीन निकली हुई है। तो ऑल द स्टफ जो के रीडिंग से रिलेटेड है, वहाँ आप लोगों को यहाँ पर, जो प्रिंट के अंदर रीडिंग से रिलेटेड है, सिंपली रीडिंग के रिलेटेड नहीं, जो प्रिंट से रिलेटेड रीडिंग मटेरियल की चीजें हैं जितनी भी, वो सारी की सारी आप लोगों की सेरिफ फॉन्ट्स में यूज होती हैं। अगर सैंस सेरिफ की बात की जाए, तो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स अमूमन हमारे पास उन तमाम चीजों में यूज होते हैं जहां पर मिनिमल स्टाइल यूज किया जाता है, या ये वेबसाइट्स, मॉडर्न लोगोस, मोबाइल एप्स, या ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल जो है, ब्लॉग्स वगैरह, इनके अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये। रीजन बीइंग के दे आर सो सिंपल के बड़े आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसी क्या रीजन है कि सेरिफ फॉन्ट सैंस सेरिफ की जगह यूज नहीं किए जा सकते? उसके लिए कोई खास स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ये एक दूसरे के लिए इंटरचेंजिंगली यूज नहीं किए जा सकते, बिल्कुल यूज किए जा सकते हैं, बट वहां पर ये जो स्टाइल है वो फिट नहीं बैठता। उसकी रीजन क्या है कि आपके पास जो जो रीडिंग मटेरियल होता है ना प्रिंटेड, उसमें अगर आप लोग न्यूज़पेपर की मिसाल देख लें, तो वहां पर साइजेस टेक्स्ट के बहुत छोटे होते हैं। वहां अगर हम ऑलरेडी ऐसे टाइप फेसेस यूज करें, फॉन्ट फैमिली यूज करें, जिसके अंदर पहले ही डिजाइन बहुत मिनिमलिस्ट है, ठीक है, तो वहां पर उसकी लेजिबिलिटी जो है ना, वो सैम सेरिफ की सेरिफ से बहुत कम हो जाती है। तो दैट इज वाई हम जो है ना, वो रीडिंग मटेरियल जो कि प्रिंटेड प्रिंटिंग से रिलेटेड होता है, प्रिंट होके जो इस्तेमाल होता है, वहां पर हम अमूमन सेरिफ फॉन्ट्स इसलिए यूज करते हैं कि उनकी लेजिबिलिटी स्मॉल साइज के अंदर बहुत बेहतर होती है। जबकि आपके पास जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दे कैन बी जूम्ड इन और आउट, और वहां पर आपको पता है वेबसाइट्स हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, मॉडर्न स्टाइल ऑफ हो, वहां पर मिनिमलिस्ट डिजाइन फॉलो किया जाता है। तो वहां पर मतलब मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कम से कम डिटेल शो करके ना हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकें, या ऐसे समझ लें कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन क्रिएट कर सकें। डेकोरेटिव की अगर बात करें, तो डेकोरेटिव फॉन्ट्स जो हैं अमूमन हम पार्टी, ठीक है, वेडिंग्स, इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब इसके अंदर आप लोगों के पास पार्टीज, पूल पार्टीज वगैरह, मैंगो पार्टीज के अलावा कॉन्सर्ट्स वगैरह, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा इनविटेशंस में ये बहुत यूज होते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई ऐसा सिंपल सा डेकोरेटिव फॉन्ट यूज कर लेता हूँ जो कि आप लोगों के लिए पढ़ने में आसान हो। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी एक
जब मैंने फॉन्ट यूज किया, दिस इज ऑल्सो एक ऐसा फॉन्ट है जो कि आप लोग डेकोरेटिव फॉन्ट के जुमरे में लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हम आई होप तो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आया था कि आपके पास गॉथिक फॉन्ट्स, ये बहुत ही नीच फॉन्ट्स हो गए हैं, ये अमूमन आप लोगों के पास यूज होते हैं आजकल रॉयल कम्युनिकेशन के अंदर, जहाँ पर भी कोई बादशाही निज़ाम हो। ठीक है, रोमन ब्रिज को अभी भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक, तो लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कोई कम्युनिकेशन का मामला है ना, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का कोई लेटर वगैरह लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स वगैरह या मेन मेन जगहों पे यूज किए जाते हैं, इनकी अकरेंस इटसेल्फ कम्युनिकेशन में बहुत कम होती है। तो आप लोगों के पास जो स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं, ये वेडिंग इन्विटेशंस, ठीक है, बर्थडे, ठीक और फेमिनिन डिजाइन्स, इनमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये आपके पास जो पांच डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस की हैं, वो कौन सी हैं और फिर वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, उनको मैंने आपके सामने एक मीडियम लेवल की डिटेल में सामने रख दिया है। इससे आगे ये हो सकता है कि मैं आपको बताऊं कि जी कंपैरिजन कर दूं कि जी खुद देख लें, वेडिंग इनविटेशन के लिए स्क्रिप्ट फॉन्ट अच्छा लग रहा है और उसके कंपैरिजन के अंदर सैन सेरिफ फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखूं जी वेडिंग इनविटेशन, और ऐसा कर दूं कलर वाइट, और इसकी जगह मैं यहाँ पर अगर ये यूज कर लूं, तो आप लोग दोनों देख सकते हैं कि दोनों फॉन्ट्स में ऊपर वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द लुक, बट अगर यही कोई रीडिंग मटेरियल हो तो वहां पर ये जो नीचे वाला फॉन्ट है वो बड़ा बेहतर लगेगा। ठीक, आप लोग अगर वेडिंग इनविटेशन वगैरह को देखें भी, तो वहां पर अमूमन इस किस्म के फॉन्ट इसलिए यूज होते हैं बिकॉज दे लुक कूल। ठीक है, ये आपको हमेशा जो है ना फॉर्मल और ओल्ड वाली लुक देगा जो सेरिफ फॉन्ट फैमिली है। ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है कि आप लोगों की तरफ से पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं होता, या आप लोग इतने धमाक से सुन रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ घोल के आपके दिमाग में जा रही है कि आपके साथ दिमाग में क्वेश्चन नहीं है। मेरे सामने कोई ये बंदा कोई चीज़ रखे तो मैं एटलीस्ट 5 से 6 सवाल उनसे कर सकूं कि भाई वाई इज देयर अ नीड, ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजिंगली यूज किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। आप लोग मेरे से ये पूछ सकते थे कि टाइपोग्राफी में साइजेस कितने रखने चाहिए अमूमन। ठीक है, आप लोग मेरे से पूछ सकते थे कि लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड फॉन्ट्स कहाँ यूज किए जाते हैं, या किस सिचुएशन में टाइपोग्राफी में हमें अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेफ्ट सेंटर या राइट अलाइंड का। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन, टेक्स्ट को जो जस्टिफाई किया जाता है, ठीक है, वो क्यों किया जाता है और उसको जस्टिफाई करने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो आप लोग मेरे से पूछ सकते थे कि जी अगर हमें टाइपोग्राफी में डिज़ाइन करते हुए पैराग्राफ्स डिज़ाइन करने पड़े हैं हेडिंग्स के साथ, तो वहाँ पर फॉन्ट की पेयरिंग जो है वो कैसे की जाती है। ऐसा तो थोड़ी होता है कि एक
बैनर डिजाइन है तो उसके अंदर पूरे का पूरा हम एक ही फॉन्ट यूज करें। आप लोग मेरे से पूछ सकते थे कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फॉन्ट जो हमें एक डिजाइन के अंदर यूज करने चाहिए। नन ऑफ यू आस्क्ड। आप लोग मेरे से इसके अलावा ये पूछ सकते थे कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉन्ट्स जो कि हम एक डिजाइन में यूज कर सकें। फिर आप लोग मेरे से पूछ सकते थे कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स जो कि हम डिफरेंट फॉन्ट्स के लिए एक डिजाइन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते थे कि ये जो हमारे सामने 5 डिफरेंट टाइप फेसेस आ रही हैं, क्या इनके अंदर इंटरचेंजिंगली चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या ये हमारे पास फिक्स है कि हमने ये इनको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो मैं कहता कि नहीं, आप इसमें लिबर्टी ले सकते हैं कि आप किसी मतलब तो ये वो बाइबल नहीं है कि आप लोगों ने इसको फॉलो करना है एज इट इज, मैनुअल नहीं है फॉलो करना। सो सर्टेन सिचुएशंस के अलावा मैं आपको जरूर बताता कि अदर देन सम सर्टेन सिचुएशंस हम इनको इंटरचेंजिंगली कभी कभार यूज कर लेते हैं। वैसे हमने फॉन्ट फैमिली डिफाइन इसलिए की है कि हम लोग चीज़ों को उसके बताए हुए तरीके कार के मुताबिक लेके चल सकें। अच्छा, आप ये बातें ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। चलें, मैं मान लेता हूँ मोहम्मद आसिफ आपकी बात, लेकिन इशू ये होता है कि एक लेक्चर को गुजरे 3-4 दिनों बाद भी ये सवाल नहीं किए जाते आप लोगों की तरफ से। आप लोग अगर ये समझते हैं कि मैंने आपको आज टाइपोग्राफी पे लेक्चर दे दिया है और मैंने आपके साथ तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल है। मेरा ये लेक्चर शायद 45% या 50% चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हो, बाकी आपकी उसके बाद दिन में की हुई रिसर्च, आपकी अपना रीडिंग मटेरियल, इससे रिलेटेड सर्च करने पर चीज़ें क्लियर होती हैं मजीद। लाइक टाइपोग्राफी के अंदर ये बहुत बड़ा हेडेक होता है कि आप फॉन्ट पेयरिंग कैसे करें, कौन से फॉन्ट दूसरे फॉन्ट के साथ एक वक्त में अच्छे लगते हैं। यहाँ तक तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बट यहाँ पर मेरे मेरा आप लोगों का इख्तलाफ हो जाता है कि आप लोग उससे अगले दिनों में एक चीज़ को पहली दफ़ा मेरे से सुनने के बाद समझते हैं कि जो मैंने बता दिया इससे कम भी नहीं करना और इससे ज़्यादा भी नहीं करना। तो बिल्कुल मैंने जो बता दिया उससे कम तो कतन नहीं करना, लेकिन उससे ज़्यादा करने का आपको फुल इख्तियार है। और मैं खुद भी इंकरेज करता हूँ कि आप लेक्चर लेने के बाद उससे रिलेटेड इंटरनेट पर जाके चीज़ें देखें। ऐसी बहुत सी छोटी मोटी माइनर डिटेल्स होती हैं जो कि मैं मिस कर गया हूँ या मिस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से अगर कोई मेरे से पूछ ले कि व्हाट इज बैड गर्निंग, ठीक है, तो मैंने आपको बैड गर्निंग की कोई एग्जाम्पल नहीं दी। समझ रहे हैं बात को? मैंने आपको कहा एक फॉन्ट की डिफॉल्ट कर्निंग क्या और गुड क्या है, मैंने आपको बैड कर्निंग की एग्जाम्पल ही नहीं दी। अब अगर आप लोग मेरे लेक्चर पे रहेंगे कि मैंने जितना बताया है उतने पे रह के, तो आप लोग सारी ज़िंदगी जो है वो बैड कर्निंग की एग्जाम्पल समझ नहीं पाएंगे बिकॉज मैंने डिस्कस नहीं की। तो इसलिए इस मामले में आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए ये चीज़ों को कैसे लेके चलना है कैसे नहीं, आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि आप लोगों को रीडिंग मटेरियल पढ़ते मुश्किल होती है। मैं आप लोगों के सामने एक 6 से 7 मिनट की वीडियो है वो रख देता हूँ। ये वीडियो जो है इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन जो है ना जो मैंने अभी आपसे किए हैं कि फॉन्ट पेयरिंग, फॉन्ट साइजेस, ठीक है, कैसे मैटर करते हैं, कहाँ आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है, वहाँ पर आपका ये इसके कुछ सवालात जो है ना वो आपके आंसर हो जाएंगे। फिर अभी हमने ये भी नहीं देखा कि अगर कोई टेक्स्ट, दो टेक्स्ट या वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें साइजिंग कैसे रखनी है चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गिव एन एग्जाम्पल टू माई क्लास, जो भी कोई मेरे पास ई रोजगार का ट्रेनिंग सेशन हो मैं वहाँ पर ये एग्जाम्पल लाजमी दिया करता हूँ कि
अगर आपको चीजों के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बात करनी है, कॉन्टेक्स्ट मतलब के हाउ वुड द थिंग्स एक्चुअली लुक लाइक, या दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ 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 रखे जाएं, तो हाउ वुड दे लुक लाइक, लुक लाइक, हम उसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे किसी बंदे को, किसी यूजर को ये शो करवाना है कि भाई जान हमारा एक चीज पे एम्फेसिस ज्यादा है और दूसरी पे कम है, तो हाउ कैन वी मेक श्योर कि हमारा जो है वो एम्फेसिस शो करवाया जा सके कि दिस स्मॉल वर्ड स्मॉल इज डिफरेंट टू द वर्ड लार्ज। हाउ कैन आई मेक श्योर के कोई पढ़ने वाला अंडरस्टैंड करे कि जी ये दो डिफरेंट मीनिंग रख रहे हैं। आई कैन क्रिएट डिफरेंशिएशन यूजिंग कलर, ठीक है। देन एक और डिफरेंशिएशन यूज की जा सकती है डिफरेंट काइंड ऑफ अ फॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये यूज कर लूं, तो आप लोग देख सकते हैं कलर और डिफरेंट फॉन्ट फैमिली या डिफरेंट फॉन्ट टाइप यूज करके मैंने डिफरेंशिएशन क्रिएट कर ली। बट देर आर मोर इंटरेस्टिंग वेज जिनके थ्रू आप लोग ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन हेयर, अगर इसको मुझे मजीद अच्छे तरीके से शो करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। ये जो लिखा मैंने लास्ट, अभी मैं इसमें कर्निंग एंड उसका को खास ख्याल नहीं रखने वाला था, बट अब चूंकि मैंने नाम ले लिया तो मैं इसको अब इसका डेफिनेटली ख्याल करूंगा। सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया और इसको कलर देते हैं जी रेड का। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड एन इंटरेस्टिंग वे टू एडजस्ट दिस वर्ड स्मॉल हेयर। देखे व्हाट वुड आई डू, देखे इसको मैंने राइट अलाइन किया, इसका मैंने कलर पकड़ा जी ब्लूइश, इसका मैंने साइज किया पिद्दा, और फॉन्ट मैंने यहाँ यूज कर लिया जी अब आप अगर इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइपोग्राफी में कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। मतलब कौन सी चीज, कौन सा लेटर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जी स्मॉल एंड लार्ज। आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो नियरली दे हैव सेम साइजेस, तो जो कॉन्टेक्स्ट जो मैं मतलब वाजे करना चाह रहा था वो यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें लार्ज या स्मॉल के हवाले से, यहाँ पर जो है ना वो चीज़ पूरी हो रही है कि द वर्ड लार्ज हैज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट कि यह बड़ा है, और जो स्मॉल है उसके लिहाज से लिखा भी छोटा गया, साइज में गया और डिफरेंट कलर में, ताकि हमारा जो सवाल है वो पूरा हो जाए।
हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो यहाँ पर पूरा हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है जी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली शो टू आर यूजर्स, वो उसके मतलब को पढ़ के भी समझ लें और देख के भी अंडरस्टैंड करें। तो अगर मैं इस स्मॉल एंड लार्ज को साइड बाय साइड रखूं, तो यहाँ इट लुक्स लाइक के जी दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो वट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल हेयर, वट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल हेयर एंड वट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड लार्ज हेयर। तो आपको मे बी आज के लेक्चर में इन चीज़ों के बारे में जो बताया है, यू वुड नीड टू लर्न अ लॉट मोर टू आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड के चीज़ों का बेसिकली मकसद क्या है। मैंने तो अभी आप लोगों को जो है ना वो ये भी नहीं बताया कि हेडिंग हेडिंग वन हेडिंग टू पैराग्राफ हेडिंग थ्री हेडिंग फोर इनका क्या हिसाब किताब होता है। तो अब आप लोगों ने ये काम खुद करना है कि आप लोग टाइपोग्राफी के बारे में जब मजीद अपनी रिसर्च करेंगे तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि टाइपोग्राफी के अंदर जब हमने टाइटल वगैरह देखना है तो उसके लिए हेडिंग साइजेस वगैरह और उसके लिए बेहतर फॉन्ट्स कौन से होते हैं, ये भी आप लोग अब खुद अंडरस्टैंड करके लेके आएंगे, समझेंगे। और इससे रिलेटेड मंडे को जो है ना सबसे पहले एक अदद क्विज होगा गूगल क्लासरूम में, आप लोगों का एक क्विज होगा जो कि आप लोग अटेम्प्ट करेंगे इन द फर्स्ट 25 मिनट्स, और पहले 25 मिनट के बाद जो है वो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो ये क्विज लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने आज के लेक्चर को लेके आगे चल कर इस पे ऊपर कितनी बात की है। फिर इंशाल्लाह हम मंडे के लेक्चर में कलर्स की बात भी करेंगे, इस तरीके से बैलेंस की बात भी करेंगे एंड लास्टली शेप्स की बात करेंगे। इन सारी की सारी चीज़ों को कवर करने के बाद ठीक है हम लाइक आज टाइपोग्राफी में मैंने टाइम इसलिए लगाया है कि टाइपोग्राफी नीड्स अ सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर। तो बाकी कलर्स को इंशाल्लाह हम मंडे को कवर करेंगे, साथ साथ हम शेप्स को भी मंडे में कवर कर लेंगे ताकि हमारा मंडे के दिन दो चीज़ें कवर हो जाएं, एंड देन ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह अलाइनमेंट बैलेंस ठीक है और प्रॉक्सिमिटी वगैरह को देख लेंगे ताकि आपकी डिज़ाइन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना वो कंप्लीट हो जाएं। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो तमाम के तमाम जो स्किल बेस्ड काम है, फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, लेटर हेड डिज़ाइन वगैरह, इन सब को करना शुरू करेंगे ताकि आप कल को इस काबिल हों कि इनकी सर्विसेज वगैरह भी दे सकें। तो यह रहा जी आप लोगों का आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि यू पीपल वुड बी एबल टू क्वेश्चन टू पुट फॉरवर्ड लॉट मोर क्वेश्चन टू मी ऑन मंडे, बिकॉज आप लोग इसको डेफिनेटली मुझे डिटेल में भी देखेंगे। तो जिन लोगों को ना याद रहा हो कि आप लोगों को इन चीज़ों में कौन कौन से सवाल पूछने हैं, तो आप इस लेक्चर के जो आखिरी 15 to 20 मिनट्स हैं उनमें जो मैंने क्वेश्चन जो है ना बोले थे कि आपको ये सवाल मेरे से पूछने चाहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि विच क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ और आस्क द इंटरनेट, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इंपॉर्टेंट वन भी यहाँ पर किए हैं। बाकी कल को मैं कोई डिज़ाइन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोगों में इतना क्रेज़ और लर्निंग का पैशन और जरूरत होनी चाहिए कि इफ़ आई मेक अ डिज़ाइन डिसीजन जो कि मेरे बताए हुए तरीके से के अगेंस्ट है, तो आप लोग मेरे से आप लोगों को चाहिए कि जी आपने फलां लेक्चर बताया था कि ये काम नहीं कर सकते लेकिन आप यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, उसमें भी आपकी लर्निंग होगी कि मैं आपको वहाँ पर बताने जोगा हूँ कि यहाँ पर इस रीज़न की वजह से मैंने ये काम किया, उमूमन हम इस प्रैक्टिस को आदत नहीं बनाते ठीक है। तो आप लोगों के अंदर इंक्वायर करने की ये जो है ना चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी आगे 1:05 हो गए हैं, नमाज जुम्मे का वक्त भी करीब है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को इस लेक्चर की आज काफ़ी कुछ समझ आई होगी। अभी मैं जिस स्टाइल में मूवमेंट टाइपोग्राफी सिखाया करता हूँ इतना मैंने
डेप्थ में नहीं गया, ताकि आप लोग जरा बेसिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। आगे कोई डेडिकेटेड अलहदा टाइपोग्राफी का लेक्चर नहीं होगा, बट ये है कि टाइपोग्राफी से रिलेटेड कोई चीज़ रैंडमली अगर पॉपअप माइंड में आ जाए या ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करनी पड़ जाए, तो वहाँ मैं डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अदर देन दैट इंशाल्लाह मंडे को क्विज होगा, एंड क्विज इज़ फॉर ऑल दोज पीपल। और क्विज में एक चीज़ लाजमी देखूंगा, आई अमूमन ना मे बी आप लोग इस चीज़ का शायद ख्याल ना करते हो, मैं लेक्चर के दौरान मुसलसल मोबाइल पर ये भी चेक कर रहा होता हूँ कि हाउ मैनी पीपल हैव सीन माई लेक्चर लाइव, और वो लेक्चर स्टार्ट करने के 2-3 मिनट बाद गायब हो गए हैं। तो मैं ये जो चीज़ है ना वो देख रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी, तो आज का लेक्चर 21 ट्रेनीज देख चुके हैं इस पोस्ट को, ये लाइव है, बट ओनली 7 पीपल आर सिटिंग लाइव राइट नाउ। पीपल लाइक सारा, सलीम, चौधरी, हैदर, हसीब बट तो आई गेस ऑनलाइन थे आज के, नहीं था, हसीब बट थे ऑनलाइन, मोहम्मद अहमद बट, इकरा आरिफ, उज्मा गफूर, मोहसिन सिद्दीक, ये भी अहमद अली, जावेद इकबाल, रहमत अली, साजिद शौकत और अदनान दानी जो हैं, ये दीज आर द पीपल जो कि किसी टाइम लेक्चर में आए थे। इन्होंने लेक्चर की पोस्ट देखी और पोस्ट देखने के बाद ये वापस चले गए। तो इन तमाम लोगों से मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर लूँगा, और आइंदा आगे हर लेक्चर में मैं ड्यूरिंग द लेक्चर ये एक्सप्लेनेशन पोस्ट किया करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्योंकि तो आप लोगों को लेक्चर की पोस्ट देखने के बाद इस चीज़ पर मजबूर करती है कि आप लेक्चर छोड़ के कहीं और जाएँ। ठीक है, बाकी जो जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क होती है वो भी मुझे आज पता चल गया कि कौन सा लेक्चर सिर्फ, कौन से लोग सिर्फ अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, और कौन से लोग जो है ना वो अटेंडेंस लेने लेक्चर के साथ साथ, पूरा लेक्चर लेने के साथ अटेंडेंस भी मार्क कर रहे हैं। तो मैं आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखूंगा, और जो लोग इस चीज़ में जो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे होंगे फिर मैं उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर लूँगा। अब अंटिल नाउ मैंने आप लोगों को इस मामले में ना पहले कभी कुछ बोला है, ठीक है, ना इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन की बात की है, बट राइट नाउ आई सी के जब वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रियल स्टफ, तो आप लोग जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी अहमद, मैंने आपका वो कह दिया था कि आप मौजूद हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी विद अ क्विज, और क्विज का मैं टाइम भी एक तो मखसूस वक्त में रखूंगा, वो 2 बजे स्टार्ट होगा और 2:20 या 2:25 पे साथ ही ख़त्म हो जाएगा, ताकि मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो प्रायोरिटी का, उसका भी अंदाज़ा हो ना। अगर मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी समझ के कर रहा हूँ, तो आप लोग को कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोक रही है, तो इस हवाले से चलें। विल मेक श्योर कि आई फाइंड आउट द रीजन्स, होपफुली दे आर द राइट रीजन्स। बाकी इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, जुमे का दिन है, इसके बाद नमाज जुमा भी है। दुआ में खसूसी दुआ कीजिएगा अपने लिए, मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे हमारे इखलाकी इकदार जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत गिर चुकी हुई है। आई हेट टू से इट, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता चल होगा, माशाल्लाह सारे आकिल बालिग लोग, समझदार लोग बैठे हैं, तो यू पीपल अंडरस्टैंड कि मैं किस बात, किस चीज़ का रेफरेंस दे रहा हूँ। आई एम एक्चुअली रेफरिंग टूवर्ड्स द लाहौर इंसिडेंट जो मोटरवे पे हुआ, एंड लिटरली आई वॉज ट्रेवलिंग इन द सेम टाइम ऑन द मोटरवे, लेकिन मैं सरगोधा की तरफ आ रहा था। आई वॉज शॉक टू हियर के ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो ये बेसिकली हमारे माशरे के तौर पे हमारी एक कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो कि हमें इतने बुरे एक्ट्स की तरफ लेके चलती हैं। एंड बिलीव मी, दिस ई रोजगार प्लेटफॉर्म इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि आपको अपनी किसी भी फ्रस्ट्रेशन या मतलब आप लोगों को अगर लग रहा है कि कुछ सीधा नहीं हो रहा, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग इसके थ्रू कुछ चीज़ें ठीक कर सकें।
ताकि कल को खुदा ना खास्ता अगर आप लोग किसी पॉसिबल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो तो यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि आप इसको यूज करके अपने आप को एक बड़े ही अच्छे और हलाल मामले के अंदर अपने आप को जो है ना वो मसरूफ रख सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे चल के हम मामलात बेहतर होंगे, हम इखलाकी तौर पे भी और चीज़ों को सीखने के तौर पे भी बेहतर हों, मैं आप आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। क्विज की कोई डिटेल नहीं है, क्विज वुड हैव एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हवाले से कि मैं ओपन एंडेड आप करता हूँ कि जी आप बताएं यहाँ पर कौन सी ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए कौन सी नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल स्टफ वो भी होगा, लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा या कुछ मामलात में मैं एमसीक्यूज वगैरह भी जनरेट कर सकता हूँ। तो मजीद कोई मेरे से क्विज के बारे में पूछना चाहे तो दे कैन आस्क मी बाय संडे नाइट, तब तक मैं बना चुका हूँ, आई वुड बी एबल टू डिस्क्राइब थिंग्स इन अ मच बेटर पोजिशन, ऑल्दो कि तब आप लोगों के पास चीज़ों के हवाले से टाइम कम होगा। तो अपना, अपने वालदैन का, अपने गिरद व नवा में मौजूद लोगों का और गरीब गुरबा का बहुत ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए और मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए आगे आने वाला वक्त अच्छा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।